सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ तक कि हमारी परेशानियाँ भी नहीं। जीवन में सबसे खोया हुआ दिन वह दिन है जब आप हंसते नहीं हैं। अपने दिल और आत्मा पर विश्वास करें कि आप अपने जीवन में बड़ी चीजों के लिए सक्षम हैं। केवल एक चीज जो आपके रास्ते में खड़ी है वह आप स्वयं हैं। आज का पंचांग 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 9:11 तक रहेगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:40 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:58 से 3:24 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:08 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। मकर राशि 2 मार्च 2023 दिन गुरुवार, आप अभी हुए वित्तीय लाभों का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आपका करिश्मा नए रिश्तों के लिए मार्ग बना रहा है। मित्र और भाई बहन आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप कुछ बंधनों से बाहर निकलकर सुंदर धुनों पर डांस करने के लिए तैयार हैं। कार्यों में योगदान और उपलब्धियों के लिए आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। आपके उत्साह के कारण आपके काम और भी बेहतर होंगे। अपने कार्यों में ध्यान केंद्रित करने के लिए यह सर्वोत्तम समय है। मामूली मुद्दों की जगह उन विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जिनका प्रभाव आपके जीवन पर सबसे अधिक है। किसी अनुभवी अथवा प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपकी कोई समस्या हल होने वाली है। युवाओं को प्रतियोगिता संबंधित गतिविधियों में सफलता मिलने के उत्तम योग है। बजट के अनुसार खर्च करें। परिस्थिति ठीक से जाने बिना निर्णय लेना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। भावनाओं का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए आप वर्तमान को सुधारने की कोशिश करनी होगी। जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझते हैं ऐसी बातों से ना भागी। विदेश में काम करने का मौका मिलेगा लेकिन इस काम को स्वीकार करने के लिए वक्त लग सकता है। पार्टनर के द्वारा बोली गई सही बातों पर विश्वास करने की कोशिश करें। सावधानियां, आलस और जल्दबाजी जैसी नकारात्मक आदतों में सुधार लाना जरूरी है। नजदीकी मित्रों के साथ व्यवहार करते समय कुछ शब्दों का प्रयोग करें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। बात करते हैं लव लाइफ की। कोई खास दोस्त या सहकर्मी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह संबंध और भी मजबूत हो। नेटवर्किंग इस रिश्ते के लिए जादू का काम करेगी। बड़े भाई बहन या चाचा से कई महीनों के बाद मुलाकात की संभावना है। फालतू के मामलों में न फंसें, जो काम जरूरी है उन्हीं पर ध्यान दें। साथी की तलाश है तो थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। विवाहित हो तो आज आपको रोमांस के लिए वो पल मिलेंगे जिनका इंतजार था। इन पलों का खुले दिल से स्वागत करें ताकि इन्हें और भी खास बना सकें। बात करते हैं करियर की। खुद पर विश्वास अच्छी बात है किंतु दूसरों के परामर्श पर भी ध्यान दें, खासकर जब वो आपके दोस्त या शुभचिंतक हो। अतिरिक्त आय के लिए आज नेटवर्किंग या फ्रीलांसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतें आपको विचलित कर सकती है किंतु अपनी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आज का वक्त शुभ है। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, बदले में आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आपकी कड़ी मेहनत आज आपको हैरान कर देगी। अपने काम और सेहत दोनों पर ध्यान दें। ध्यान रखें, उत्साह प्रयास की जननी है और इसके बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बात करते हैं सेहत की। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करने से थकान हावी रहेगी। स्वस्थ रहने के लिए योग, मेडिटेशन और गतिविधियां भी जरूरी है। आंखों से संबंधित तकलीफ बढ़ने की संभावना है, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। आज का उपाय, आज अब गरीबों को गेहूं का दान करें शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती रहें। आपका दिन शुभ हो।